तो आप बताइए कि इस टेंपल के ऊपर में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक सीक्वेंस में हम आपको बता देते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो इशू है वो किस चीज़ का है, वो आपका लड्डू में जो घी का यूज़ है उसके रिगार्डिंग आपका राइट नो इशू चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अलावा भी मैंने टेम्पल्स के ऊपर क्या आपको बताया, पहला ये जो पार्टिकुलर टेम्पल है श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, जिसको हम लोग तिरुमारा टेम्पल भी बोलते हैं ओवरऑल, तो ये जिस हिल पे है उसका नाम है तिरुमाला हिल, पहला मैंने ये बताया आपको, है ना, सिंपल आपको बताया। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वर्ल्ड का वो टेम्पल है जिसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन और वेल्दीएस्ट टेम्पल है। और बेसिकली जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने जाएंगे तो टोकन सिस्टम होता है, और उसके साथ साथ इस पार्टिकुलर टेम्पल में जैसे ही आप एग्जिट कीजिएगा तो आपको एक लड्डू मिलता है जिसको हम लोग तिरुपति का लड्डू बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा लड्डू चाहिए तो क्या बोले, वो लड्डू को ख़रीदना है, अगर आपको मान लीजिए खरीदना है। अब वो लड्डू जो मेक हो रहा, मतलब उसमें जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लग रहा है, तो उसमें घी का भी यूज़ होता है। अब देखिए अगर हम भारत की बात करेंगे तो अलग अलग जो ब्रांड है वो अलग अलग घी का मतलब बनाती है, जिसमें मान लीजिए अमूल है, उसके साथ साथ और भी दो चार नाम है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर टेम्पल में जो घी आता है, तो इसके लिए भी क्या होता है ना कि ऑनलाइन बिडिंग होता है, मतलब ऑक्शन होता है, टेंडर जैसे होता है ना, टेंडर निकलता है। मतलब कोई भी चाहेगा ना कि बड़ी बड़ी जो भी मतलब के टेंपल है उसमें जो भी प्रसाद अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो टेंडर हमको मिल जाता है कि ज़्यादा तादाद में ज़्यादा अमाउंट में हम लड्डू बनाए या घी सप्लाई दें, तो वो कंपनी को बूस्ट मिलता है ओवरऑल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पार्टिकुलर टेम्पल में जो आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है वो मैंने क्या बताया आपको, द्रविडियन स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है। और देखिए एलिगेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि राइट नाउ देखिए अभी जो आंध्र प्रदेश में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो एनडीए गठबंधन का एक पार्ट है जिसका नाम है टीडीपी, मतलब तेलुगु देशम पार्टी। और उसके राइट नाउ जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू है, और चंद्रबाबू नायडू जी वो एनडीए से गठबंधन है, मतलब मोदी जी वाला पार्टी से गठबंधन है ना। और अभी जब राइट नाउ आंध्र प्रदेश में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो काफ़ी फुल बहुमत मिला असेंबली के इलेक्शन में, किनको, चंद्रबाबू नायडू जी के पार्टी को। बट इससे पहले किसका पार्टी था, इससे पहले था वाईएसआरसीपी, वाईएसआरसीपी मतलब हो गया जगन मोहन रेड्डी, मतलब जगन मोहन रेड्डी जी का जो पार्टी था उसका मतलब के ये पार्टी है, और वो जगन मोहन रेड्डी जी सीएम थे। लेकिन अब वो तो जीते नहीं इस बार इलेक्शन में आंध्र प्रदेश का, जीता कौन, चंद्रबाबू नायडू जी का टीडीपी पार्टी, तो सीएम तो ये बन जाएंगे। तो इन्होंने ही जो है एक रिपोर्ट्स के माध्यम से एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर लड्डू में तिरुपति जी का जो लड्डू है उसमें जो इस तरह का फैट, इस तरह का जो घी यूज किया जा रहा है वो एक्चुअल में करवाने वाला ये वाईएसआरसीपी है ओवरऑल। ये तो एक एलिगेशन हो गया। तो फिर बाद में जब वाईएसआरसीपी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, बोला ऐसा कोई बात नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो आप इंक्वायरी करवा लीजिए। अच्छा देखिए, वाईएसआरसीपी में जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, अब इन्हीं की एक सिस्टर है, उनका नाम है शर्मिला करके कुछ नाम है उनका, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की हुई है, वो कांग्रेस को ज्वाइन की हुई है। इनका पार्टी देखिए अलग है, मतलब दोनों भाई बहन है आपस में। और चंद्रबाबू जो नायडू है वो टीडीपी पार्टी से है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब से सेपरेट हुआ, हालांकि दोनों पार्टिकुलर स्टेट में तेलुगु लैंग्वेज बोला जाता है ओवरऑल, लेकिन जब से तेलंगाना स्टेट बना तो आंध्र अलग हो गया, और आंध्र का कैपिटल आप लोगों को तो पता ही होगा अमरावती, और भी है विशाखापट्टनम, मतलब वहाँ पर अलग अलग कैपिटल है ओवरऑल, कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली जो राइट नो इशू चला, तो ये 17 सितंबर से या 18 सितंबर से ये इशू चल रहा है। तो 20 सितंबर में हमारे देश में जेपी नड्डा जी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो भी मैटर राइट नाउ चल रहा है ये ठीक नहीं है ओवरऑल, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, इंक्वायरी चलेगा और जो भी चीज़ें आगे बढ़ेगा। लेकिन एज ए सिविल सर्विस आपको ये करंट अफेयर नहीं देखना है, आपको इशू देखना है, और इशू किस चीज़ का है, तो वो घी का जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है ये आपके अलग अलग जीएस पेपर से कनेक्ट हो रहा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी। समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। इकोनॉमी मैंने इसलिए बताया बिकॉज अगर आप बात करेंगे घी के प्रोडक्शन का तो उसके ऊपर जीएसटी लगा, इस पार्टिकुलर टेंपल में काफ़ी डोनेशन आ रहा है तो वो एक एंगल बना आपका, ऐसी कई सारी जो एंगल है जो आपकी इकोनॉमिक सेक्शन में चला जाता है।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इस टेम्पल को जो चलाने वाला जो आपका एक होता है ना संस्था ऑर्गेनाइजेशन, तो वो TTI के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस संस्था को चलाता है ओवरऑल। तो फिर TTI ने भी ये बताया, जो उनके हेड है राइट नाउ, कि इस पार्टिकुलर टेम्पल में जो भी तिरुपति जी का लड्डू जो बन रहा है, तिरुपति लड्डू जो बन रहा है, वो काफ़ी हम लोग अलग अलग प्रोसेस से फिर उसको बनाते हैं, और ये जो एलिगेशन लग रहा है वो ठीक नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, लेकिन एज ए एस्पायरेंट सिविल सर्विस आपको ये सोचना है कि ये मेरे एग्जाम के पॉइंट से सिलेबस से कैसे कनेक्ट हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसका कनेक्शन आर्ट एंड कल्चर से है, बिकॉज बार बार आपको बताए कि ये साउथ इंडियन टेम्पल है और साउथ में और नॉर्थ में फ़र्क होता है ओवरऑल। इसके साथ साथ ऐसा कई सारा और भी टेम्पल है, जैसे एक टेम्पल आपका वीरूपक्षा जी का एक टेम्पल है, वीरूपक्षा बहुत फेमस टेम्पल है ये भी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीरूपक्षा जो नाम का टेम्पल है वो किस पार्टिकुलर स्टेट में है। थैंक यू।